बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कोई पार्टी होगी तो भारतीय जनता पार्टी है। अब ऊपर से इन्होंने तय कर लिया है कि भाई केजरीवाल को ख़त्म करना है, तो 20 दिन पहले आए, बोले जी अब शराब घोटाला इनके ऊपर चिपकाना है, शराब में घोटाला हो गया, सीबीआई जांच कर ली, अब हम भी ठहरे कट्टर ईमानदार लोग, इनको क्या पता था ये 15 दिन बाद पूछने लग जाएंगे क्या मिला क्या मिला क्या मिला क्या मिला, मामला इनका टाटा फिस हो गया शराब वाला। फिर उन्होंने कहा जी स्कूल का घोटाला कर लिया, स्कूल में इन्होंने पहले तो कुछ दिन कह रहे थे जी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, कोई स्कूल नहीं बना, फिर ऊपर से तय किया गया कि नहीं बना है कुछ, तो फिर आके बोलने लगे बना तो है लेकिन कहा था इन्होंने कि 4000 बनाएंगे, बना दिया 7000। हम कह रहे हमने 7000 भी नहीं, हमने 25000 से ज्यादा कमरे बना दिए। इन्होंने कहा जी स्कूल तो इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था सिर्फ 100 बनाएंगे लेकिन बना दिए 400। हमने कहा जी हमने 400 भी नहीं बनाए, हमने 750 से ज्यादा स्कूल बना दिए, तो इसमें भी ये फंस गए। अब मैं देख रहा था कि इनके जो प्रवक्ता है वो डिबेट पे जाके टॉयलेट्स की फोटो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं जी ये तो अमेरिका के एयरपोर्ट पे इतने शानदार शानदार टॉयलेट्स बनते हैं, यहां बनाने की क्या जरूरत थी। बोले दिल्ली में चलता नहीं, स्कूलों के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं चलता, गरीब के बच्चे आते हैं स्कूलों के अंदर पढ़ने के लिए, इतने अच्छे रूम बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ये इनकी मानसिकता है। तो ये स्कूल वाला भी फेल हो गया। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हुई, पहली बार इनके प्रवक्ताओं को सद्बुद्धि आई। आज इनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो ये आए और इन्होंने कहा जी कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि हमने उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की, इसकी जांच होनी चाहिए। पहली बार मुझे लगता है ये हमारी जांच वाले के साथ में आ गए हैं, तो हम तो पूरी तरह से इसका समर्थन करते हैं और पूरी तरह से स्वागत करते हैं। पहली बार इस देश के अंदर एक जांच होगी कि विधायक कैसे खरीदे जाते हैं और किस तरह से जब सरकार नहीं बनती तो सरकार कैसे बनाए जाते हैं। अब मेरी एक विनती है भाजपाइयों से, इस वाले पे थोड़ा टिके रहना कुछ दिन, इसकी सही से करवाल हो जाए। मतलब ये नहीं कि अब शाम तक पता चला उल्टा पड़ गया, फिर कल सुबह कुछ और लेके आ जाओ, ट्रांसपोर्ट आ गया कैलाश गहलोत जी को ढूंढना शुरू कर दें, फिर आ गया जी वो पेंशन सही से नहीं बटी फिर गौतम जी को ढूंढना शुरू कर दें, फिर बोले जी वो पराली नहीं जली तो गोपाल जी को ढूंढना शुरू कर दें। बस मेरी एक सुझाव है, मेरी एक विनती है, इस वाले पे थोड़ा टिके रहना 10-15 दिन, इसकी अच्छे से ना जांच हो जाने दो। अब जो भी एजेंसी है तुम्हारे पास, सीबीआई है, ईडी है, फला है, दिमाग है, जो भी है लगा लो सारे, इस पे जांच करवा लो। मैं तो जी संगठन का काम देखता था, मैं तो गोवा में, बाकी तो मैंने अखबारों से सुना, पेपरों से सुना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुना कि विधायक खरीदे गए, विधायक बेचे गए, विधायक आए। मैंने तो गोवा के अंदर काम किया जी, गोवा के अंदर 2017 में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के आई। मेरा ख्याल है उनको 1 या 2 MLA की जरूरत थी, 20 की जरूरत होती 20-21 की, उनके पास 17-18 वो जीत के आए, 2-3 इंडिपेंडेंट आए, इंडिपेंडेंट ने भी कह दिया जी हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, और सरकार मतलब किसी को पता ही नहीं था कि सरकार तो कांग्रेस की बनी सकती थी क्योंकि सारे विधायक सब कुछ रेडी। इनके आए 12, फिर पता चला 3 दिन बाद इनकी सरकार बन गई, इनके विधायक, इनके मंत्री शपथ ले रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। मैं तो 1 साल घूमा वहां पे, खूब बात की, जो विधायक बिके उनसे भी बात की, जिनको अप्रोच किया गया उनसे भी बातचीत की, फिर पता चला ये ऑपरेशन लोटस क्या है। इस लोकतंत्र के लिए हमारे देश को आजादी ऐसे नहीं मिली, 150 साल का एक पूरा संघर्ष रहा। 1857 में पहली बार आजादी की लड़ाई लड़ी गई और 1947 में पहली बार आजादी मिली। न जाने कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग जेलों के अंदर गए, कितने लोग फांसी चढ़ गए, तब जाके ये देश आजाद हुआ। मतलब क्या था कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी
और वो प्रतिनिधि जनता के लिए काम करेंगे, जनता के लिए लॉयल होंगे। लेकिन थोड़ा उल्टा हो गया मामला। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में इनकी सरकार बनी, मई में 5-6 महीने इन्होंने लगाए सिस्टम उस्टम सेट करने में, पैसा वैसा इधर उधर लाने में, महंगाई बढ़ाने में। जब इनके पास पैसे इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए, फिर इन्होंने शुरू किया इनका जो कि पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो। सबसे पहला इन्होंने अटैक किया असम के अंदर। असम के अंदर 10 विधायक तोड़े, और सिर्फ विधायक ही नहीं तोड़ा, उनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी तोड़ ले गए। और सबसे खराब बात, सबसे बेशर्मी की बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले ही बड़े सारे नेता थे, लेकिन जिस मुख्यमंत्री कैंडिडेट को तोड़ा उसी को ही मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी बना दिया, और आज वो मुख्यमंत्री भी हैं। इसमें भी ऐसे हुआ नहीं होगा, जैसे हम तो अपने जो ये 12 लोगों को 20-25 करोड़ के ऑफर मिले उसके आधार पर कह रहे हैं, सस्ते में तो डील हो ही नहीं होगी, कुछ तो लगा ही होगा, कुछ तो माल पहुंचा ही होगा। उत्तराखंड में इन्होंने तोड़ लिए 10। अरुणाचल प्रदेश में इनकी सरकार ही नहीं थी, मतलब आप सोचो 60 सीटें होती हैं, उसमें 46 कांग्रेस पार्टी के पास थी, और उसमें से 33 तोड़ लिया इन्होंने, जहां पे जनता ने मैंडेट दिया कि कांग्रेस सरकार चलाए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही। ये तो बड़ा शानदार है यार, ये है ऑपरेशन लोटस। उत्तर प्रदेश में 3 तोड़ लिए इन्होंने, मणिपुर में कहीं दूर दूर तक इनकी सरकार का कोई नामो निशान नहीं था, 10 तोड़ लिए सरकार बन गई। गोवा का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही। बिहार के अंदर 71 तोड़े सरकार बनी, थोड़ा सा इस बार इनका दाव वहां गड़बड़ हो गया, सरकार इनकी गिर गई। इसी तरह से गुजरात में इन्होंने 3 कांग्रेस के एमएलए तोड़ लिए। वेस्ट बंगाल में कोशिश कर रहे हैं, 1-2 वहां भी हाथ मार लिया इन्होंने, ज्यादा नहीं मार पा रहे वहां पे, लेकिन 1-2 मार लिया वहां पे भी हाथ। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, सिद्धारमैया जी की सरकार चल रही थी, और मुझे लगता है कि देश में पहली बार ऐसा होगा कि जब एक ऑडियो चल रहा है, इनके जो मुख्यमंत्री थे जिनको अभी बदला गया है, क्या नाम था उनका, नहीं उनसे पहले येदुरप्पा जी की आवाज है, ऐसा नहीं कि मेरी आवाज है, येदुरप्पा जी की आवाज उस रिकॉर्डिंग में है। एक एमएलए को कह रहे हैं तू आ जा, तेरा ख्याल भी रखेंगे, देखो मंत्री भी बनाएंगे, देखो और भी सारी चीजें देंगे। ये है ऑपरेशन लोटस। 17 वहां तोड़ लिए, और अब क्या सरकार चल रही थी कांग्रेस की, मुख्यमंत्री बीजेपी का घूम रहा है वहां पे। मध्य प्रदेश में 22 तोड़ लिए सरकार, ऐसा लग रहा था कि कमलनाथ जी चला लेंगे, कमलनाथ जी चलाने भी लग गए, अचानक एक रात में खेल हो गया, रिजॉर्ट उजॉर्ट बुक हुआ इधर उधर, सारा खेल हो गया, मामला गड़बड़, सरकार बीजेपी की। वेस्ट बंगाल में जैसे मैंने बताया कोशिश की, और सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का जो आप लोगों ने देखा, वहां तो सिर्फ एमएलए ही नहीं तोड़े, बिल्कुल पार्टी लेके चल लिए, 39 से ज्यादा एमएलए तोड़ लिए और सरकार इनकी बन गई। ये बड़ा खतरनाक है। हम सारे यहाँ पे एमएलए हैं, बड़े साधारण परिवारों से आते हैं, दिल्ली वाले तो टिके रहे, लेकिन ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है कि जहां आपकी सरकार ना बने वहां आप डराने धमकाने लग जाओ। मनीष जी के ऊपर केस कर दिया, बोले आपने बड़ा शराब घोटाला किया, हमने पूछा क्या किया तो बता ही नहीं पा रहे। इसमें अभी ये रिसर्च वाली टीम हमारी ये लिख रहे हैं कि इन्होंने 2017 में एक सपा का प्रवक्ता भी तोड़ लिया, गौरव भाटिया को, उसको तो मुझे लगता है फ्री में ही ले लिया होगा इन्होंने, उसको तो पैसे नहीं दिए होंगे, सहमत तो सारे लग रहे। अच्छा सीडी थी गुप्ता जी के पास, काफी सीढ़ियां रहती हैं। मेरा बस यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी नेक मांग उठाई है और हम इसके साथ पूरी तरह से सहमत हैं। जांच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। अगर इनका सीबीआई में भरोसा है तो सीबीआई से ही जांच करा ले। पूरे देश के अंदर लगभग 277 विधायकों को खरीदा गया, अगर 20 करोड़ का एवरेज लगा देते लगभग 6300 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। ये जांच होनी चाहिए,
किस किस विधायक को पैसे दिए गए, ये जांच होनी चाहिए। ये 6300 करोड़ रुपए कहां से आए, इसकी जांच होनी चाहिए। हम इस पूरी जांच का समर्थन करते हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे हमने शराब घोटाले में सहयोग किया, जैसे हमने एजुकेशन पे इनके आरोप लगे उस पर हम सहयोग कर रहे हैं, इसी तरह से हम पूरी तरह से इस ऑपरेशन लोटस का भी समर्थन करते हैं, सहयोग करेंगे इसकी पूरी जांच में। बहुत बहुत धन्यवाद।